दोस्तों, फोन में अगर एक अच्छा रैम और तगड़ा स्टोरेज मिल जाए तो हम अपने हाई क्वालिटी वाले वीडियोस और पिक्चर्स को काफी लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर पाते हैं। लेकिन अगर ये चीजें लो होती हैं तो हमें अपने पिक्चर्स और वीडियोस को जल्दी डिलीट करना पड़ जाता है, और ये कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आज मैं आपके लिए 5 ऐसे स्मार्टफोन चुनकर लेकर आया हूँ जिनमें गाइस आपको 8GB रैम के साथ 256GB तक का तगड़ा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें प्राइस को लेकर, तो ये सारे के सारे स्मार्टफोन्स आपको 18,000 के प्राइस पॉइंट पर मिलने वाले हैं। खास बात ये है, यहाँ पर गाइस आपकी स्टोरेज वाली समस्या तो सॉल्व हो ही जाएगी, साथ ही मैं आपको एक दमदार प्रोसेसर, बेहतरीन कैमरा क्वालिटी और सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको 67 वाट तक का हाई सपोर्टेड चार्जर भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर गाइज मैं स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करूंगा, एक बार नया स्मार्टफोन लेने से पहले इस वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर गाइज नए स्मार्टफोन्स रोजाना तो नहीं लिए जाते। इसीलिए बेहतर रहेगा एक नया स्मार्टफोन लेने से पहले आप थोड़ा रिसर्च कर लें, ताकि आपका पैसा एक सही स्मार्टफोन पर जा सके। तो चलो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल सके। तो चलो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइज हमने 5 स्मार्टफोन्स को रखा है और 5 स्मार्टफोन 5G सपोर्टेड हैं, और शुरुआत हम 5वें नंबर से करने वाले हैं। अगर गाइज आप 18,000 की प्राइस पॉइंट पर एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन है OnePlus Nord CE 2 Lite 5G। यहाँ पर गाइज आपको एक दमदार गेमिंग प्रोसेसर तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको वेल ऑप्टिमाइज्ड डिस्प्ले मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर गाइज आपको काफी बेहतरीन मिलने वाली है। चलिए जल्दी से इसके स्पेक जान लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, और ये 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और साथ ही साथ 5 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। बात करते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी को लेकर, तो 64+2+2 मेगापिक्सल का यहाँ पर बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। बात करते हैं सेल्फी कैमरे को लेकर, तो 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर गाइज आप दोनों कैमरे से 1080p तक का हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ पर कैमरा क्वालिटी के मामले में ये स्मार्टफोन थोड़ा डिसेंट परफॉर्म करता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी वेल ऑप्टिमाइज्ड डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर गाइज आपको 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिलने वाली है। यहाँ पर गाइज आपको काफी जबरदस्त डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें गाइज आप काफी अच्छा खासा गेमिंग का मजा ले पाएंगे। चलिए बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर गाइज आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी, जिसके साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट। एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर यहाँ पर गाइज आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है। सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है। एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इस फोन में आप 5GB रैम तक एक्सपेंड कर पाएंगे। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस फोन की प्राइस को लेकर। तो अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप 6128 वाला वेरियंट 18,500 की कीमत में खरीद पाएंगे। ये तो थी गाइज OnePlus Nord CE 2 Lite 5G की पूरी कहानी। अगर आपके मन में इस स्मार्टफोन को लेकर कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्मार्टफोन की तरफ। यहाँ पर गाइज नंबर 4 पर हमने जो स्मार्टफोन लिया है, उसमें भी गाइज आपको दमदार गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। इस स्मार्टफोन को भी गाइज आप 16,000 की कीमत में वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन कह सकते हैं। तो ये है रियलमी की तरफ से रियलमी 9 प्रो 5G। चलिए जल्दी से इसके स्पेक जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पर गाइज आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफी तगड़ा परफॉर्म करता है। एंड यहाँ पर ये प्रोसेसर 5 5G बैंड्स को भी सपोर्ट करता है। तो इस प्रोसेसर के दम पर गाइज आप काफी शानदार गेमिंग कर पाएंगे। बात करते हैं इस फोन के कैमरा क्वालिटी को लेकर। तो यहाँ पर गाइज आपको 64+8+2 मेगापिक्सल का आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। एंड अगर बात करें सेल्फी कैमरे को लेकर, तो 16 मेगापिक्सल का आपको इस फोन में सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर गाइज आप रियर और सेल्फी कैमरे से दोनों से आप 1080p तक का कैमरा क्वालिटी रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा क्वालिटी के मामले में ये स्मार्टफोन डिसेंट परफॉर्म करता है, लेकिन बजट को देखते हुए अच्छा कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। डिस्प्ले को लेकर बात करें तो यहाँ पर गाइज आपको 6.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले मिलने वाला है, एंड इसी के साथ 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होने वाला है। टच सैम्पलिंग रेट को लेकर बात करें तो 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट यहां पर आपको मिलने वाला है। तो यहां पर गाइज आपको काफी स्मूथ और अल्ट्रा लुक डिस्प्ले मिल जाता है। बात करते हैं इस फोन की बैटरी लाइफ को लेकर, तो 5000mAh की बड़ी बैटरी, जिसके साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट। एंड चलिए जल्दी से इसके बाकी के फीचर्स भी जान लेते हैं। तो यहां पर ये स्मार्टफोन साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट होने वाला है। एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यहां पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करने वाला है। एंड अब चलिए इसके प्राइस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो ऑफर्स अप्लाई करने के बाद 6128 वाला
वेरिएंट आपको 16,999 की कीमत में मिल जाएगा। एंड यहां पर गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस स्मार्टफोन का 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आप बिल्कुल मत परचेस करना। एंड रियलमी के इस स्मार्टफोन को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं हमारे अगले स्मार्टफोन के बारे में। नंबर 3 पर हमने जो स्मार्टफोन लिया है गाइज, वो मोटोरोला की तरफ से 18,000 की कीमत में मिलने वाला वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कह सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको काफी स्मूथ और जबरदस्त डिस्प्ले मिल जाता है, साथ ही साथ एक अच्छा हाई सपोर्टेड प्रोसेसर मिल जाता है जो इस फोन को अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेगा। इस फोन का नाम है मोटो G71 5G। चलिए जल्दी से इसके स्पेक जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से लेकर। यहाँ पर गाइज आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G सपोर्टेड प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। तो ये काफी गजब का चिपसेट हो जाता है जो आपके फोन को काफी तगड़े लेवल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। चलिए बात करते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर गाइज आपको 50+8+2 मेगापिक्सल का आपको बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है एंड इसी के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर गाइज कैमरा क्वालिटी आपको डिसेंट लेवल का मिलता है। यहाँ पर गाइज इस कैमरे से आप 180p तक का रिजोल्यूशन कैप्चर कर पाएंगे। तो अगर कैमरा क्वालिटी को देखते हुए बात करें तो ये स्मार्टफोन डिसेंट परफॉर्म करने वाला है, लेकिन पिक्चर्स आप फिर भी अच्छी क्वालिटी के कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर गाइस आपको 6.4 इंचेस का फुल HD+AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिलने वाला है। यहाँ पर गाइस कुछ भी कहूँ लेकिन डिस्प्ले आपको काफी ज्यादा स्मूथ और काफी हाई क्वालिटी वाला मिल जाता है। एंड अगर बात करें इसकी बैटरी लाइफ को लेकर, तो 5000mAh की बड़ी बैटरी यहाँ भी आपको मिल जाती है जिसके साथ 33W का फास्ट चार्जर सपोर्ट भी मिल जाता है। चलिए अभी इसके एक्स्ट्रा फीचर्स भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन IP52 रेटेड होने वाला है, साथ ही यहाँ पर 2 SIM कार्ड आप डाल सकते हैं। मेमोरी कार्ड स्लॉट यहाँ पर आपको नहीं मिलता है और सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इस फोन की कीमत को लेकर, तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन आप विदाउट ऑफर 6128 वाला वेरियंट 18,000 की कीमत में आसानी से बाय कर पाएंगे। एंड अगर आपके मन में इस स्मार्टफोन को लेकर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो अगर गाइज आप 18,000 की कीमत में एक अच्छा कैमरा क्वालिटी स्मार्टफोन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप IQ G3 5G के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर गाइज आप 4K तक का कैमरा रिजोल्यूशन कैप्चर कर पाते हैं, साथ ही एक जबरदस्त डिस्प्ले मिल पाता है जिसमें आप YouTube, Facebook या Instagram पर चल रही वीडियोस का काफी अच्छी क्वालिटी में मजा ले सकते हैं। चलिए जल्दी से इसके स्पेक जान लेते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पर गाइज आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 786 5G सपोर्टेड प्रोसेसर मिल जाता है एंड ये प्रोसेसर 2 5G बैंड्स को भी सपोर्ट करता है। तो इस प्रोसेसर के दम पर गाइज आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे। बात करते हैं इस फोन की कैमरा क्वालिटी को लेकर, तो यहाँ पर गाइज आपको 64+8+2 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है एंड इसी के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी नॉच कैमरा मिल जाता है। एंड यहाँ पर गाइज आप रियर कैमरे से 4K तक की क्वालिटी 60fps के साथ रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा क्वालिटी के मामले में ये स्मार्टफोन काफी जबरदस्त परफॉर्म करने वाला है। चलिए अब थोड़ा इसके डिस्प्ले के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको 6.5 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि 120Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ और 180Hz के हाई टच सैंपलिंग रेट के साथ आपको मिलने वाला है। साथ में गाइस आपको पांडा ग्लास डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिलता है जो कि काफी जबरदस्त हो जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में भी गाइस आपको एक भी कमी नजर नहीं आएगी। बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ को लेकर, तो यहाँ पर गाइस आपको 4400mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है एंड इसी के साथ 67W का फास्ट चार्जर सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर कमी ये है कि ये स्मार्टफोन 55W तक ही सपोर्ट करता है। चलिए जल्दी से इसके एक्स्ट्रा फीचर्स भी जान लेते हैं। तो सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर ये स्मार्टफोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ आने वाला है, साथ ही यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं जिसमें आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको 3.5mm का जैक भी मिल जाता है। एंड अब चलिए इसके प्राइस के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को आप 17,990 की कीमत में अमेजन से बाय कर पाएंगे। एंड अगर आपके मन में इस स्मार्टफोन को लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट एंड फाइनल स्मार्टफोन के बारे में। तो यहाँ पर गाइस पोको X4 Pro 5G हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो चलिए जल्दी से इसके भी स्पेक जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पर गाइस आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर मिल जाता है
जो कि 5G प्रोसेसर रहता है। एंड यहाँ पर इस प्रोसेसर का एंटिटी स्कोर 3,80,000 प्लस होता है, तो काफी जबरदस्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन गेमिंग फील्ड में भी काफी जबरदस्त परफॉर्म करने वाला है। बात करते हैं इस फोन की कैमरा क्वालिटी को लेकर, तो यहाँ पर गाइस आपको 64+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है एंड इसी के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको डिसेंट टाइप का मिलता है, तो ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर गाइस आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिल जाता है। साथ ही आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है एंड यहाँ पर 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर गाइस डिस्प्ले काफी जबरदस्त और काफी अल्ट्रा लुक होने वाली है। बात करते हैं इस फोन की बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर गाइस आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी जिसके साथ 67 वाट का टर्बो फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। चलिए जल्दी से इसके एक्स्ट्रा फीचर्स भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो इस स्मार्टफोन के वॉल्यूम परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर देंगे। एंड सिक्योरिटी के तौर पर साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट मिलने वाला है। एंड्रॉइड 11 पर ये स्मार्टफोन रन करने वाला है, साथ ही IP53 रेटेड होने वाला है। एंड यहाँ पर भी गाइस आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिल जाता है, जिसमें आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस को लेकर, तो यहाँ पर गाइस ऑफर्स अप्लाई करने के बाद 6128 वाला वेरिएंट आप 18,049 की कीमत में बाय कर पाएंगे। तो यहाँ पर गाइस अगर आप 18,000 की कीमत में एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पोको X4 प्रो 5G के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाइस आपको काफी तगड़े स्पेक्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर गाइस अगर आपको एक नया स्मार्टफोन लेना हो, तो आप इन पांचों में से कौन से स्मार्टफोन को लेना पसंद करेंगे कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल सके। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।